चिलवाताल क्षेत्र के बिचौपुर गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हर्ष फायरिंग में 7 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हर्ष फायरिंग करने वाला युवक विसर्जन जुलूस में ही शामिल था। घटना के बाद वह फरार हो गया। घायल लोगों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की सूचना मिलते ही सीओ क्राइम परवीर सिंह मौके पर पहुंच गए और स्थिति को सामान्य किए। इस संबंध में चिलवाताल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम परवीर कुमार सिंह ने बताया, 6 लोग सुनील नाम है ना, वो दारू पीता है। अच्छा, दारू पीता है। इसके पहले कोई क्या झगड़ा किया मोहल्ले में? बोलना है, वो खुद बता रही है कि वही नाम बता रही है। लेडीज को भी लगा मोहल्ले के भाग का तो था नहीं, मोहल्ले के ही लड़के हैं, उसी में से कार किया, कार करने का उद्देश्य जी। ये एक तो कल जो घटना संज्ञान में आई है फायरिंग की बिछाऊपुर में, ये चिलवाताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पे ठीक है विसर्जन के दौरान एक फायरिंग की घटना हुई है। सिंगल फायर हुआ है वहाँ पे 12 बोर से, और वो लोग जो उसमें से चिन्हित हो गए, नामजद मुकदमा लिखा गया है। कुल मिला के 7 लोग घायल हैं जिनको माइनर इंजरीज हैं, और वो मतलब एक ही कम्युनिटी और एक ही गांव के थे, और मतलब आपस में जा रहे थे, उसी बीच वहाँ पे ये मतलब घटना हुई है। आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है अभी, और जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।